इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। अजित पवार का बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र निकाय चुनाव अकेले एनसीपी लड़ेगी। लोकसभा चुनाव साथ लड़ा, विधानसभा भी साथ लड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र निकाय का चुनाव एनसीपी अकेले लड़ने वाली है। अजित पवार की तरफ से ये बड़ा ऐलान है, एनसीपी अजित गुट की तरफ से ये बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र निकाय का जो चुनाव होगा वो एनसीपी अकेले लड़ेगी, लोकसभा चुनाव साथ में लड़े एनडीए के साथ मिलकर, विधानसभा भी साथ लड़ेंगे, लेकिन ये बड़ा ऐलान महाराष्ट्र निकाय चुनाव अकेले ही एनसीपी पार्टी अजित पवार की पार्टी लड़ने वाली है, ये बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजित पवार ने रविवार को घोषणा की है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। गोष्ट सांगायची, लोकसभा आणि विधानसभा ह्या आपण महायुतीमध्ये लढणार असलो तरी स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या आपापल्या पक्षांनी आपापल्या ताकदीवर लढवायच्या आहेत। त्यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत ह्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला तिथल्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या वॉर्डात, आपापल्या प्रभागात, आपापल्या गटात, आपल्या आपल्या गणात काम व्यवस्थितपणे करा। या योजना तुम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या तर तो तुम्हाला कधी विसरणार नाही, ही बाब देखील आपण सगळ्यांनी ध्यानामध्ये ठेवावी अशा सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, आखिर क्या वजह है कि अजित पवार ने इतना बड़ा फैसला लिया है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से सियासत गरमाई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट लगातार यह कोशिश कर रहा है कि किस तरह से अजित पवार को या तो मजबूती दी जाए या तो फिर अजित पवार को एक मौका दिया जाए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ पदाधिकारियों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी दिया था जिसमें बताया था कि अगर अजित पवार विधानसभा चुनाव से अलग लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सीटों में काफी इजाफा हो सकता है। और इसके लिए आज जो पुणे में बैठक हुई थी इस विषय को लेकर भी चर्चा की गई है। अब ऐसे में अजित पवार को जिस तरह से कई मौके पर जो है अलग करके डिसीजन लिया गया है उस पर भी एक बड़ा सवाल होता है। अच्छा, ये कहा जा रहा है सत्यप्रकाश, क्योंकि अजित पवार की तरफ से बड़ा फैसला इसलिए भी शायद लिया गया होगा, ये भी संभावना है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो पाला बदल सकते थे और शायद इसी वजह से ये बड़ा फैसला अजित पवार की तरफ से लिया गया, ऐसा है क्या? देखिए ये बात तो सही है कि अजित पवार के विधायक और काफी कार्यकर्ता जो है नाराज चल रहे हैं और वह पाला बदलने की ताक में भी है। यह चर्चाएं काफी लंबे समय से चल रही है, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद लगातार शरद पवार गुट से कहा जा रहा था कि अजित पवार के करीब 19-20 विधायक लगातार घर वापसी चाहते हैं, शरद पवार के खेमे में जाना चाहते हैं। एक बड़ा मामला तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी गुट जो है कई मौकों पर उनके कार्यकर्ता नाराज रहे कि जो हार हुई है, जो भारतीय पार्टी को कम सीटें मिली है उसका प्रमुख कारण है अजित पवार को अपने साथ लेना। और सत्यप्रकाश, क्या इस पूरे मामले को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब साथ में उतरेंगे ये बीजेपी के साथ जब चुनाव लड़ेगी तो कम से कम वहां शक्ति प्रदर्शन उससे पहले करने की कोशिश, क्या इसको इस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए अजित पवार अपने आप को कितने संगठित है, कितने मजबूत है वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों गुट की तरफ से यह सिग्नल मिला हुआ है कि अजित पवार अगर साथ में चुनाव लड़ेंगे तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट को कम सीटें आ सकती है। तो इसलिए भी अजित पवार यह दिखाना चाहते हैं कि हम राजनीतिक तौर पर और कार्यकर्ताओं के साथ कितने मजबूती से खड़े हैं और कितने कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विधायक उनके साथ खड़े हैं। तो कहीं कहीं यह भी एक बड़ा मामला हो सकता है, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी गुट तैयार है, तमाम बैठकें हो रही है, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं महाराष्ट्र की राजनीति में है वो बार बार यही सामने आ रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में शायद अजित
चलिए ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव अकेले ही अजित पवार लड़ेंगे, यानी अजित पवार की जो एनसीपी पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि लोकसभा का चुनाव साथ लड़े बीजेपी के साथ मिलकर, और आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होगा तो भी अजित पवार की पार्टी एनसीपी बीजेपी के साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ेगी।